हेलो इन शालोम एवरीवन, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का ये वचन आपकी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करने वाला है। और वो इसलिए क्योंकि अगर आपने प्रार्थनाएं कर ली हैं, अगर आपने उपवास रख लिए हैं, अगर आपने इंटरसेसरी प्रेयर्स करवा ली हैं, अगर आपने सब जगह कोशिश कर ली है, लोगों को बोलकर, प्रभु के दरवाजों को खटखटाकर, और प्रभु अभी तक बात नहीं कर रहे हैं और अभी तक कोई जवाब नहीं आ रहा है, तो इस वीडियो के साथ, इस वचन के साथ और इस रहस्य के साथ जो आज मैं आपके सामने खोल कर रख देने वाली हूं वचन से, आप जान पाएंगे कि आप किस स्टेट में है, किस सीजन में है और कैसे आप अगले सीजन में एंटर कर सकते हैं और क्यों आप इस सीजन में हैं। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए, अगर आप तैयार हैं तो इस बात को कहें कि परमेश्वर मैं तैयार हूं, मुझसे बात करें। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। देखिए, कई बार ऐसा होता है, जैसे मैं हमेशा इस बात को कहती भी हूं कि जैसे आप फिजिकली डिफरेंट सीजन्स को देखते हैं, वैसे ही स्पिरिचुअली भी डिफरेंट सीजन्स होते हैं। और एक्लिसियास्टस सभोपदेशक की पुस्तक में भी इस बात को कहा गया है कि स्वर्ग के नीचे, पृथ्वी के ऊपर, हर चीज का एक समय है। दैट मीन्स देयर आर सीजन्स फॉर डिफरेंट थिंग्स टू हैपन अंडर द हेवंस। और जब उन सीजन्स के ही बारे में हम बात करते हैं, तो परमेश्वर के राज्य में भी जब कई ऐसे सीजन्स होते हैं जिनमें परमेश्वर हमसे जो है बहुत खुलकर बात करते हैं, हमें इंस्ट्रक्शंस देते हैं, हमें क्या करना है, हमें उस बड़ी विजन के बारे में बताते हैं और हमें किन स्टेप्स पर से होकर जाना है, किन पड़ाव को पार करना है, प्रभु हमें सब बताते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब प्रभु चुप कर जाते हैं, बात ही नहीं करते, पता ही नहीं चलता है कि करना क्या है। और उस टाइम में ऑब्वियसली कई लोग बड़े डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, कई लोग डिस्करेज्ड हो जाते हैं, कई लोग ये सोचते हैं कि पता नहीं हमने कोई पाप तो नहीं कर दिया। देखिए, आज मैं इन जो टॉपिक्स के ऊपर बात नहीं कर रही हूँ कि अगर आपने पाप कर दिया है, अगर आपकी जिंदगी में खामियां हैं, अगर आपकी जिंदगी में जो है अनफॉरगिवनेस है, उसकी वजह से परमेश्वर आपकी बात नहीं सुनते या परमेश्वर आपसे बात नहीं करते। जी नहीं, मैं इन चीजों के बारे में बात नहीं करने जा रही, मैं बड़ी ही ठोस बात करने जा रही हूँ। और आप भी जरा ध्यान से इस बात को सुनिएगा। सबसे पहली रीजन कि परमेश्वर क्यों बात करना बंद कर देते हैं, ये तब होता है जब परमेश्वर आपको तैयार कर रहे होते हैं किसी बड़े काम के लिए, अपनी महिमा के किसी बड़े काम के लिए। आमीन। देखिए, ये वो समय होता है जबकि परमेश्वर हमें ट्रेन कर रहे होते हैं, प्रिपेयर कर रहे होते हैं, और ये प्रिपरेशन के समय में परमेश्वर चुप हो जाते हैं। वो कोई बात नहीं करते, वो कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं देते, वो किसी बारे में किसी चीज का खुलासा नहीं करते, और वो सिर्फ इस चीज पर फोकस कर रहे होते हैं कि हम तैयार हो जाएं, हम तपाए जाएं, हम तोड़े जाएं, हम मोल्ड किए जाएं, हम शेप अप किए जाएं, ताकि हम परमेश्वर की महिमा के कामों के लिए तैयार पाए जाएं। आमीन। मैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ आपको ये बात थोड़ी और क्लियर करना चाहूंगी। जब प्रभु यीशु मसीह की ही बात करें हम, तो 30 साल में जाकर प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई मिनिस्ट्री शुरू हुई, उससे पहले कोई भी ऐसे वाक्या नहीं है जहां पर ये बात लिखी गई है कि वो अब्बा से बातें करते थे, वो इंस्ट्रक्शन लेते थे, या उन्होंने ऐसा कहीं कहा हो कि मैं जो पिता से सुनता हूं मैं करता हूं, ऐसा कुछ नहीं था। तो उन 30 सालों में क्या हो रहा था? Those 30 years were the years of silence। वो एक साइलेंस का पीरियड था। 12 साल की उम्र में जब प्रभु यीशु मसीह को यरूशलम के मंदिर में पाया जाता, जब उनके पेरेंट्स वहां पर लेकर गए थे और उसके बाद वो वहीं पर रुक गए थे, तो हम देखते हैं कि वो रबाइज के साथ और धर्म गुरुओं के साथ वहां पर बात कर रहे होते हैं और वो तैयार होते हैं। इवन दो प्रभु यीशु मसीह उस उम्र में भी बिल्कुल स्पिरिचुअली इक्विप्ड थे, तैयार थे, पर वो समय नहीं था कि उनको प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। दैट मीन्स ही हैड टू प्रिपेयर, ही हैड टू वेट फॉर द राइट टाइमिंग, जबकि वो काम कंप्लीट हो सके जिसके लिए उन्हें स्वर्ग से धरती पर भेजा गया था। So, आप इस बात को देखें कि 30 साल उन्होंने इस चीज का इंतजार किया, 30 साल तक वो प्रिपेयर हुए, 30 साल तक उनकी जो तैयारी कंप्लीट हुई, और उसके बाद जाकर उन्होंने उस काम को अंजाम दिया जिसके लिए वो भेजे गए थे। अगर हम पहला राजाओं, पहला सलातीन, फर्स्ट किंग्स को भी देखें, चैप्टर नंबर 19, और यहां पर एलिया नबी को देखें, तो एलिया नबी भी एक टाइम आया जब उसने बड़े बड़े एक्सप्लॉइट्स किए परमेश्वर के लिए। दैट वाज अ टाइम कि जब आग भी उतर रही थी स्वर्ग से, वो टाइम था जबकि वो जो बाल के पुजारी थे उन्हें भी मार रहा था, वो टाइम था जब वो अहाब के साथ भी बोल्डली फेस टू फेस जाकर बात कर पा रहा था। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि परमेश्वर कुछ भी नहीं बोलते। वो 40 दिन और 40 रातों का सफर करके पहुंचता है, और जब वो उस केव में जाता है तो
उस केव में आंधी भी आती है, इतनी तेज आंधी आती है कि पत्थर टूटने लगते हैं, इतना तेज जलजला आता है, अर्थक्वेक आता है कि जो रॉक्स हैं वो शेक हो जाती हैं, इतनी फायर होती है कि वहां पर जो है जो मुश्किल सा माहौल लगता है। इन सब बड़े बड़े कामों के बावजूद भी परमेश्वर उस जगह पर उससे बात नहीं करते हैं। और फिर फाइनली हम देखते हैं कि एक लंबे साइलेंस के पीरियड के बाद एक धीमी सी आवाज आती है जिससे परमेश्वर अपने नबी के साथ, अपने जन के साथ बात करते हैं। तो इतने दिन का जो टाइम पीरियड था वो कौन सा टाइम पीरियड था? डिसअपॉइंटमेंट का था? जी नहीं, वो एलिया को तैयार करने का टाइम पीरियड था, क्योंकि अब उसकी असाइनमेंट बदलने वाली थी। उसने जो काम पहले कर दिखाया था अब वो कंप्लीट हो गया था, अब नेक्स्ट असाइनमेंट के लिए ही हैड टू बी प्रिपेयर्ड। और वो प्रेपरेशन के समय में परमेश्वर चुप थे, प्रभु ने कोई बात नहीं की, परमेश्वर ने उसे कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दी, बस दैट वाज द ओनली टाइम पीरियड दैट गॉड वांटेड हिम टू बी प्रिपेयर्ड, ताकि जब परमेश्वर उस धीमी सी आवाज के साथ उससे बात करें वो जान सके कि वो आवाज परमेश्वर की है और प्रभु उससे क्या चाहते हैं। आमीन। ये है दूसरा एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। जब हम प्रभु यीशु मसीह की ही बात कर रहे थे, देखिए जब आप लूका रचित सुसमाचार उसका चैप्टर नंबर 2 और वर्स नंबर 52 पढ़ते हैं, तो वहां पर ये बात कही गई है कि प्रभु यीशु मसीह विजडम में बढ़े, स्ट्रेचर में बढ़े, मनुष्यों के फेवर में और प्रभु के फेवर में बढ़े। यानी ये चारों चीजों में वो बड़े हो रहे थे। यानी हो कब रहे थे बड़े? जब परमेश्वर प्रभु पिता साइलेंटली उन्हें प्रिपेयर कर रहे थे। तो आप इस बात को आप समझ सकते हैं कि ये चारों चीजों में बढ़ोतरी तो हो रही थी, वो प्रेपरेशन की बढ़ोतरी थी। उस समय प्रभु बातचीत नहीं कर रहे थे, तो उस समय साइलेंट मोड पे थे। अब एक चीज और जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूं, जब आप यूसुफ ही की जिंदगी को देखते हैं, जोसेफ की जिंदगी के लिए परमेश्वर ने उसकी डेस्टिनी को रिवील करने के लिए एक उम्दा तरीके से उसे ड्रीम्स में चीजें बताई। प्रभु ने उसे सूर्य, चंदा, तारे सब कुछ दिखा के उसे उस ड्रीम को बताया, उसे इस चीज को बताया कि वो कैसे उस लेवल तक पहुंचाया जाएगा जहां पर परमेश्वर की महिमा के लिए वो खड़ा किया जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या होता है? उसके बाद सीधा ही खाई, उसके बाद सीधा ही पिटाई, उसके बाद सीधा ही सब कुछ जो शायद उसने सपने में भी नहीं सोचा था। अब जिस जिस जगह पर वो जाता था, चाहे वो एज अ स्लेव जाता था, तो उससे शायद लगा होगा हाँ यहां पर चलो नाउ आई एम कंफर्टेबल, अब मेरी जिंदगी यहां पे स्लेव बन के जीने की और रहने की, तो अब मैं यहीं पर ठीक हूं, अब मैं यहीं पर रहूंगा। अब वहां पर भी कुछ हो जाता था नया। अब जब वो पोतीपर के घर में आया और वहां पर उसके उसको लगा कि मेरी लाइफ अब बिल्कुल सेटल्ड है, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑल राइट, अब मुझे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वहां पर भी एक फिर उसको जो है उसके लिए एक अर्थक्वेक की तरह सिचुएशन आई और उसे हिलाकर रख दिया। अब जब वो प्रिजन में गया तो वहां फिर कुछ और हो गया। देखिए हर एक स्टेज में, इतनी ट्रायल्स और इतनी ट्रिबुलेशंस के बीच में भी एक बात जाहिर थी और एक बात लिखी थी, और वो था कि हर एक जगह पर परमेश्वर यूसुफ के साथ रहे। और जब प्रभु यूसुफ के साथ थे तो ऑब्वियसली परमेश्वर उसे प्रिपेयर कर रहे थे, पर प्रभु बात कोई नहीं कर रहे थे, प्रभु अभी भी चुप ही थे। तो आप देखें कि हर एक जगह पर इवन दो गॉड वॉज नॉट स्पीकिंग, चाहे परमेश्वर उसे बात नहीं कर रहे थे, पर परमेश्वर लीड कर रहे थे एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में और उसे तैयार कर रहे थे उस बड़े काम के लिए जिसके लिए परमेश्वर ने उसे बनाया है। और एक चीज मैं समझती हूं, देखिए जैसे वचन में लिखा है रोमन्स 8:28 में, जो लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को लेकर आती हैं। तो अगर आप परमेश्वर से प्यार करते हैं तो आपको ये बात की कॉन्फर्मेशन होनी चाहिए कि चाहे चीजें अच्छी हैं, चाहे बुरी हैं, चाहे आपके हिसाब से हैं, चाहे आपके बिल्कुल अगेंस्ट है, इनमें से भी कुछ ना कुछ फायदा होना ही होना है, इसमें से भी कुछ आपका भला निकलना ही निकलना है। लेकिन कब? जब आपको इस बात पर भरोसा है कि आप परमेश्वर से प्यार करते हैं। अगर आप परमेश्वर से प्यार नहीं करते, देखिए कई बार हम सोचते ना कहीं परमेश्वर भूल तो नहीं गए मेरे बारे में, पता नहीं मेरी आवाज परमेश्वर तक पहुंच भी रही है कि नहीं, पता नहीं परमेश्वर ने कहीं मुझे नजरअंदाज करना तो नहीं शुरू कर दिया। तो जब भी आपके माइंड में ऐसी चीजें आए ना, तो और कुछ मत देखें, सिचुएशंस को मत देखें, हालातों को मत देखें, चीजों को मत देखें, लोगों को मत देखें, सिर्फ एक चीज का आंकलन कीजिएगा, सिर्फ एक चीज इवैल्यूएट कीजिएगा, क्या मेरा प्यार परमेश्वर के लिए अभी भी जोशीला है, अभी भी गर्मजोशी वाला है या ठंडा पड़ गया? अगर तो ठंडा पड़ गया
तब आपको अपने पे काम करने की जरूरत है। और अगर आपको लगता है कि नहीं अभी भी मैं परमेश्वर से बहुत प्यार करता हूं या करती हूं, तो फिर इस सिचुएशन में भी आपका भला ही होने वाला है। आमीन, इस बात को याद रखिएगा। अब इस बात को मैं ऐसे भी आपको समझा सकती हूं कि जब आपको परमेश्वर की आवाज सुनाई नहीं दे रही, जब आप शायद अपनी ही कैलकुलेशन और अपनी विजडम के साथ चल रहे हैं और आपको जाना जो है वो एक तरफ, इस तरफ जाना है, और आप मान लीजिए राइट तरफ चलने के लिए जो है वो निकल पड़े हैं, और दरवाजा जिसमें परमेश्वर आपको ले जाना चाहते हैं वो लेफ्ट तरफ है, लेकिन आप राइट को निकल गए, तो आप इस बात का यकीन कीजिएगा, अगर आप परमेश्वर से प्यार करते हैं और परमेश्वर की इच्छा के हिसाब से चल रहे हैं, और आपने शायद गलती भी कर दी या आपने इग्नोरेंस में भी गलत दरवाजे की तरफ जा रहे हैं, तो एक बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि चाहे आप राइट को गए और आपको जाना लेफ्ट में था, परमेश्वर लेफ्ट वाला दरवाजा लाकर आपकी राइट जगह पर रख देंगे और उस दरवाजे को आपके लिए खोल देंगे, क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा और मर्जी का दरवाजा है जो प्रभु ने आपके लिए रखा है, और क्योंकि आप परमेश्वर से प्यार करते हैं ये दरवाजा राइट टाइम पर आपके लिए खोल दिया जाएगा। आमीन। सो आज मैं आपकी जिंदगी में, आपके हालातों में इस बात को बोलती हूँ कि चाहे आपने बहुत जिल्लत सही है, चाहे आपने बड़ी परेशानियों का सामना किया है, लेकिन आप परमेश्वर से बेतहाशा मोहब्बत करते हैं, तो आपके लिए परमेश्वर उन जगहों पर भी रास्ता खोलेंगे जहां पर कोई रास्ता नहीं था। आमीन, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो जब हम इस बात को कहते कि परमेश्वर चुप है, तो चुप क्यों है? तो यू शुड नो हाउ टू इंटरप्रेट द साइलेंस ऑफ गॉड, कि उस चुप्पी को भी कैसे आप जो है उसमें से भी कैसे आप अपनी उस बात को निकाल सकते हैं जो आपकी लाइफ के रिगार्डिंग है। अगर हम यूसुफ की ट्रेजेडीज की ही बात करें, तो इन ट्रेजेडीज में देखें कि हर जगह शायद उसे ये लगता होगा कि शायद अगर मैं अपने पिता के घर में होता तो इस समय तक मेरी शादी हो जाती, मुझे एक अच्छी बीवी मिल जाती, शायद अब इस टाइम तक मेरे बच्चे हो जाते, शायद इस टाइम तक मैं अपना एक घर बना चुका होता, तो मुझे लगता है वो सारी चीजों को प्रोसेस करता होगा। लेकिन आप इस बात को देखें कि जिस दिन परमेश्वर ने उसके लिए रास्तों को खोला, जिस दिन परमेश्वर की चुप्पी का समय खत्म हुआ, जिस दिन परमेश्वर ने उसके लिए उन कामों को दिखाया कि वो प्रिपेयर्ड है और अब वो उस ओहदे पर जाने के लिए तैयार है, उस दिन इतने सालों से जो चीजें उसके पास से छीनी हुई थी, चाहे उसका घर था, चाहे उसकी होने वाली बीवी थी, चाहे उसके होने वाले बच्चे थे, चाहे धन दौलत थी, चाहे उसका स्टेटस था, वो सब कुछ जो था एक ही दिन में परमेश्वर ने उसके लिए रिस्टोर कर दिया। एक ही दिन में वो अपने एक अच्छे ओहदे पर भी आ गया, एक ही दिन में परमेश्वर ने उसके लेवल को एलिवेट कर दिया, एक ही दिन में हम देखते हैं कि उसकी जिंदगी बदल गई, और साथ ही उसके लिए एक लड़की का भी जो राइट मैच का भी जो प्रोविजन है वो कर दिया गया, और उसके बाद हम देखते हैं कि उसकी अपनी एक फैमिली हुई, उसका अपना एक अच्छा घर हुआ, और शायद वो अपने लिए घर बनाता तो एक नॉर्मल घर बनाता, लेकिन जब परमेश्वर ने घर दिया तो एक पैलेस, एक उसे राजमहल दिया। आमीन। सो ऐसा मत सोचें कि परमेश्वर अगर आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो शायद आप पीछे रह जाएंगे, या शायद आप उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाएंगे, या शायद दुनिया आपसे आगे निकल जाएगी, शायद आप रेस में जो है वो हार जाएंगे। जी नहीं, जब परमेश्वर आपको प्रिपेयर कर रहे हैं, जब परमेश्वर आपको तैयार कर रहे हैं, जब परमेश्वर चाहते हैं कि आप उनकी इच्छा के अनुसार उस काम को पूरा करें, तो आप देखेंगे कि एक ही दिन में चीजें बदल जाएंगी। अब अगर यूसुफ ही की बात करें, मैं दोबारा से यूसुफ की स्टोरी पर आऊंगी, देखिए अगर इसी बारे में बात करें, तो जब से वो कपबेयरर से उसने पहली बार अपने गिफ्ट को एग्जिबिट किया था, तब से लेकर 2 साल हो गए, मतलब उस बंदे ने कोई बात ही नहीं की जाके राजा से थी। अब मुझे लगता है कि यूसुफ ये सोचता होगा कि जब उसने बात की कि मेरी सिफारिश लगा देगा और शायद मैं जेल से बाहर आ जाऊंगा, लेकिन वो सिफारिश वाला काम परमेश्वर नहीं करना चाहते थे। परमेश्वर उसकी तैयारी के बेस पर उसको एक ऊंचा मुकाम देना चाहते थे, और जिस दिन जेलर ने उसका दरवाजा खोला होगा, जिस दिन उसके कपड़ों को चेंज करवा के उसको जो साफ सुथरे कपड़े डलवाए गए होंगे, जिस दिन उसे राजा के सामने लाया गया होगा, जेलर नहीं जानता था कि वो अपने बॉस के लिए दरवाजा खोल रहा है, और कुछ ही समय में ये जो है जो अभी तक प्रिजनर है अब उसका बॉस बन जाने वाला है और वो उसकी इंस्ट्रक्शंस लेगा। और एक चीज और देखने वाली है कि जब यूसुफ का ओहदा परमेश्वर ने बढ़ा दिया, तो उसने जाकर जेलर से किसी भी तरह से जो है वो रिवेंज नहीं लिया, उसने पोते पर से जाके रिवेंज नहीं लिया, उसने अपने भाइयों से जाके रिवेंज नहीं लिया, उसने पोते पर की वाइफ से जाके रिवेंज नहीं लिया। क्यों? क्योंकि जब हमारी बैटल्स परमेश्वर लड़ते हैं,
तो हमें लड़ने की जरूरत नहीं होती है। हमारी जीत, हमारी फतेह परमेश्वर की ओर से आती है। कब? जब हम उस साइलेंस को जो परमेश्वर हमारे साथ उस प्रेपरेशन टाइम में लेकर चलते हैं, उस साइलेंस को इंटरप्रेट करना जान जाते हैं। तो मेरे अजीजों, इस बात को जान रखें कि जब परमेश्वर चुप होते हैं तो सबसे पहला कारण ये होता है कि परमेश्वर आपको तैयार कर रहे होते हैं ताकि आप प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल किए जाए। आमीन। एक और एग्जांपल आपको देना चाहूंगी, हन्ना का। इतने साल परमेश्वर चुप रहे, इतने साल उसकी प्रार्थना का जवाब नहीं आया, इतने साल कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जिसको हन्ना जनने जा रही थी वो परमेश्वर की ओर से एक माइटी प्रॉफिट की तरह इस्तेमाल होने जा रहा था, क्योंकि ऑर्डिनरी बच्चा नहीं था लेकिन एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा था जो इज़राइल के राजाओं को अनॉइंट करने वाला था, जो उनका मसा करके उन्हें राज गद्दी पर बिठाने वाला था। बात को याद रखिए, जब आप पेशेंस के साथ काम करते हैं, व्हेन यू आर पेशेंटली वेटिंग अपॉन द लॉर्ड, तो परमेश्वर कुछ अद्भुत करते हैं और बैकग्राउंड में ऑलरेडी कुछ हो रहा होता है जो शायद आपको दिखाई नहीं देता है। आमीन। दूसरा रीजन कि जब परमेश्वर चुप होते हैं वो क्यों चुप होते हैं, क्योंकि परमेश्वर, पहले में मैंने आपको बताया कि आपको तैयार कर रहे होते हैं। दूसरा रीजन ये है कि परमेश्वर आपके इर्द गिर्द के लोगों को, आपकी आसपास की सिचुएशंस को, आपकी उन जगहों पर जहां पर आपने पहुंचना है, उन जगहों को तैयार कर रहे होते हैं ताकि परमेश्वर की महिमा आपके द्वारा उस जगह पर हो सके। आपने जिग्सॉ पजल देखी होगी और खेली भी होगी, अब या आप बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करते होंगे तो आपने उनके साथ भी जिग्सॉ पजल को सॉल्व करने की कोशिश की होगी। तो कभी येलो आपको दिखेंगे, कभी ऑरेंज दिखेंगे सीनरी में, कभी अलग अलग कलर्स जो होते हैं वो दिखते हैं। तो क्या करते हैं हम कई बार येलोज को सब इकट्ठा कर देते हैं, ऑरेंजेस को सब इकट्ठा कर देते हैं, जो बाकी के कलर्स हैं ब्लू को इकट्ठा कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम उन पजल्स को जो है वो सही जो ब्लॉक्स हैं उनको सही तरीके से लगा सके ताकि वो जो पिक्चर है वो क्लियर हो सके। तो हम कर क्या रहे होते हैं, हम उस एनवायरमेंट को क्रिएट कर रहे होते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि अगर ये छोटी सी चीज हमें दिखाई नहीं दे रही तो एटलीस्ट कलर्स के साथ एक बड़ी पिक्चर हमें दिखाई दे सके। ठीक ऐसे ही परमेश्वर आपके इर्द गिर्द की सिचुएशंस की जो चीजें हैं, आपके एटमॉस्फेयर को चेंज करते हैं, उन्हें तैयार कर रहे होते हैं। तो जिस समय परमेश्वर तैयार कर रहे होते हैं, लोगों को तैयार कर रहे होते हैं, सिचुएशंस को तैयार कर रहे होते हैं, तो उस समय परमेश्वर बिल्कुल चुप होते हैं। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। लूका रचित सुसमाचार, जब आप चैप्टर नंबर 1 पढ़ते हैं, 39 वर्स से लेकर 41 वर्स तक आप देखें, यहां पर लिखा हुआ है कि जब मरियम एलिजाबेथ को मिलने जाती है, तो यहां पर लिखा है कि एलिजाबेथ के अंदर जो बच्चा होता है वो खुशी के साथ एकदम लीप करता है, मतलब वो पवित्र आत्मा से भर जाता है और वो उछलता है, अपनी माता के गर्भ में ही उछलता है। अब आप इस बात को जाने कि यहां पर एलिजाबेथ ऑलरेडी 6 मंथ्स प्रेग्नेंट थी और उसे नहीं पता था कि मरियम भी प्रेग्नेंट है। लेकिन एक बात को ध्यान रखने वाली ये है कि मरियम का जो बच्चा था और जो एलिजाबेथ का बच्चा था, उनकी मिनिस्ट्री ऑलमोस्ट साथ साथ चलनी जरूरी थी। यानी कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले उस राह को तैयार करने के लिए भेजा गया था, जिसके बारे में बाद में वो कहते हैं कि जी मैं तो सिर्फ पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन मेरे बाद जो आ रहा है वो तुम्हें आग और पानी से बपतिस्मा देगा। और फिर वो इस बात को कहते हैं कि ये प्रभु का, परमेश्वर का वो मेमना है जो जगत के पापों को अपने ऊपर उठाए लिए जाता है। यानी कि वो क्या कर रहा था, और वो ये कहता था कि जी मन फिराए क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आए तो कहते हैं कि स्वर्ग का राज्य आ पहुंचा है। दैट मीन्स यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की मिनिस्ट्री जो थी वो रास्ता तैयार करने वाली मिनिस्ट्री थी, पर प्रभु यीशु मसीह की जो मिनिस्ट्री थी वो लोगों को सैल्वेशन देने की मिनिस्ट्री थी। अब अगर एलिजाबेथ पहले बच्चा जम जाती तो इतने साल यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या करता। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में बात की गई है कि वो विल्डरनेस में होता था और वो जो जंगली जो चीजों को खाया करता था, वो हनी खाया करता था, बीज खाया करता था, तो ये सारी उसका वो लाइफस्टाइल था। वो वहां पर तैयार हो रहा था, वो वहां पर काम कर रहा था, उसकी मिनिस्ट्री वहां पर थी। अगर वो पहले पैदा हो गया होता प्रभु यीशु मसीह से, या 40 साल पहले हो गया होता, तो 40 साल करता करता तो डिसअपॉइंट ही हो जाता कि मैं इतने साल कर क्या रहा हूं, मेरा काम क्या है, मुझे करना क्या है, अभी तक तो वो आया नहीं जिसके बारे में मुझे भेजा गया। लेकिन क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मरियम से पैदा होना था,
क्योंकि मरियम एलिजाबेथ से बहुत छोटी थी, तो इसलिए एलिजाबेथ को भी वेट परमेश्वर ने करवाई क्योंकि मरियम तैयार की जा रही थी। शायद जब एलिजाबेथ की बच्चा जनने की उम्र थी तब तो शायद मरियम पैदा भी नहीं हुई थी, तो उसका वो टाइम पीरियड एक्सटेंड हो गया। इसलिए एक्सटेंड हो गया क्योंकि अभी वो काम होना, अभी वो सिचुएशंस पूरी होनी, अभी वो लोग उस हिसाब से तैयार होने बाकी थे जिनके साथ उसकी जिंदगी का काम कंप्लीट होना था। यानी कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब तक पैदा होना था वो प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले ही होना था, उसने थोड़ा ही समय रखना था। तो इसलिए अब एलिजाबेथ ये भी कह सकती थी कि मैं तो आई एम पास्ट दैट एज ऑफ कंसेप्शन, अब इतने साल मतलब जो निकल गए तो पहले ही देना तो पहले दे देते बच्चा, अब इतना टाइम क्यों वेट करवाया। वो इसलिए क्योंकि मरियम तैयार हो रही थी, वो इसलिए क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मरियम के थ्रू आना था। तो क्योंकि ये सब कुछ होना था तो इसलिए एलिजाबेथ की प्रार्थनाओं के समय में परमेश्वर साइलेंट रहे और प्रभु ने कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए इतने सालों तक वो बच्चा पैदा नहीं हुआ क्योंकि सिचुएशंस तैयार हो रही थी, लोग तैयार हो रहे थे। और इस बात को भी देखें जब आप चैप्टर 1 में ही पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार में, उसमें 42 से 45 में जब एलिजाबेथ इस बात को जानती है कि मरियम उससे मिलने आई है और वो लिखा है कि पवित्र आत्मा से भर जाते हैं उसका बच्चा, और वो एकदम क्या बोलती है, शी प्रोफेटिकली स्टार्ट्स डिक्लेयरिंग थिंग्स। वो कहती है कि ऐसा क्या हुआ, मैंने ऐसा क्या किया कि मेरे प्रभु की माँ जो है वो मेरे पास आई। देखिए अभी तक किसी को नहीं पता था कि मरियम प्रेग्नेंट है, लेकिन जब परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने इस बात को एलिजाबेथ पे जाहिर किया वो प्रोफेटिकली डिक्लेयर करने लग गई, वो उन बातों को बोलने लगी जिसको लोग जानते भी नहीं थे, तो हालांकि वो खुद भी नहीं जानती थी। तो इवन दो परमेश्वर साइलेंट थे, इवन दो प्रभु ने खुद इस बात को कुछ बोला नहीं था, जाहिर नहीं किया था, लेकिन जब पवित्र आत्मा ने उसे भरा तो ऑब्वियसली वो जान गई कि अब आगे क्या होने वाला है। सो मेरे अजीजों, कई बार आपको ऐसा लगेगा कि परमेश्वर साइलेंट है और प्रभु ने आपसे बात नहीं की है, लेकिन जब पवित्र आत्मा की हजूरी आप पर आएगी तो आप कुछ प्रोफेटिकली डिक्लेयर करेंगे, आप उन बातों की घोषणा करेंगे जो चीजें अभी आप देख नहीं पा रहे लेकिन आप बोलेंगे और वो वैसी ही होनी शुरू हो जाएंगी क्योंकि उनकी रेवलेशन आपको पवित्र आत्मा से मिलेगी। आमीन, परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। अब एक चीज और मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाना चाहूंगी, अगर हम बोआज की बात करें तो बोआज वॉज लाइक क्वाइट ओल्ड जबकि उसने रूथ से शादी करी, तो बोआज की शादी इतनी डिले क्यों हो गई, परमेश्वर क्या कर रहे थे, इतना टाइम साइलेंट क्यों थे उसकी लाइफ में? वो इसलिए थे क्योंकि रूथ प्रिपेयर हो रही थी, रूथ तैयार की जा रही थी, और उसे नहीं पता था, बोआज को ये बात नहीं पता थी कि वो प्रभु यीशु मसीह की जीनियोलॉजी का एक हिस्सा बन जाएंगे, वो उस जनरेशनल ट्री का हिस्सा होंगे जहां से उद्धारकर्ता पैदा होंगे। आमीन। सो कई बार परमेश्वर इसलिए साइलेंट हो जाते हैं क्योंकि प्रभु आपके इर्द गिर्द के चीजों को, आपके इर्द गिर्द के लोगों को तैयार कर रहे होते हैं। शायद आपको आज इसलिए प्रभु जवाब नहीं दे रहे और प्रभु साइलेंट है क्योंकि हो सकता है कि जिनके साथ प्रभु ने आपको डिवाइनली कनेक्ट करवाना है वो भी न्यू बॉर्न बिलीवर हुए ही नहीं है, उन्होंने परमेश्वर में भी नया जन्म पाया ही नहीं है, उन्होंने प्रभु के बारे में जाना ही नहीं है, और जिस दिन वो जान जाएंगे और तैयार हो जाएंगे उस दिन परमेश्वर आपको उनके साथ कनेक्ट कर देंगे और उस दिन परमेश्वर साइलेंस को तोड़ेंगे और उस दिन आप देख पाएंगे कि इतने सालों की चुप्पी आज परमेश्वर ने तोड़ी और एक ही दिन में परमेश्वर ने सब कुछ आपके लिए बदल के रख दिया। आमीन। सो मैं विश्वास करती हूँ कि आप इस समय बहुत हिम्मत पा रहे हैं, आप इस समय परमेश्वर में वाकई में ही एक नया बल पा रहे हैं। देखिए आपको कभी नहीं पता चल सकेगा कि परमेश्वर बैकग्राउंड में आपके लिए क्या कर रहे हैं, हर चीज आप देखकर आंकलन नहीं कर सकते, यू कांट इवैल्यूएट एवरीथिंग एट इट्स फेस वैल्यू, देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच गॉड इज वर्किंग बिहाइंड द सीन्स इन द बैकग्राउंड, वर्किंग विद द पीपल, वर्किंग विद द सिचुएशन, वर्किंग विद थिंग्स जो आपको पता भी नहीं हो सकती है, लेकिन जिस दिन वो तैयार हो जाएंगी उस दिन परमेश्वर अपनी चुप्पी को, अपनी साइलेंस को छोड़कर आपको जवाब देंगे और आपसे रूबरू होकर बातें करेंगे। आमीन। एक और आपको एग्जाम्पल देना चाहती हूँ, देखिये जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम आए, जब पाम संडे की बात की जाती है, तो वो एक गधी के बच्चे के ऊपर बैठकर आए। अब मैं ये सोच रही थी कि जब वचन में ये लिखा हुआ है कि गधी का बच्चा बंधा हुआ था और जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को ये कह के भेजते हैं कि अगर तुमसे कोई पूछे तो कहना कि परमेश्वर को इसका, प्रभु को इसका प्रयोजन है,
तो अब एक बात बताएं, बाकी सारे जो गधे होंगे, जो बच्चे होंगे, वो घूम रहे होंगे, वो खुले होंगे, वो खाना पीना खा रहे होंगे, वो खेल रहे होंगे फॉर इंस्टेंस, लेकिन ये वाला बेचारा बच्चा जो है वो बंधा हुआ था। अब इतना टाइम वो बंधा हुआ था, ये भी तो सोच सकता है कि आखिर मैं पैदा क्यों हुआ हूं, मैं कर क्या रहा हूं ऑल दिस वाइल, जब दूसरे लोग इतना जो एंजॉय कर रहे हैं, दूसरे लोग इतना मस्ती में घूम फिर रहे हैं और मैं यहां पर बंधा हुआ, वजूद क्या है, मैं कर क्या रहा हूं। शायद उसे नहीं पता था कि तैयारी हो रही थी, उसका इर्द गिर्द तैयार किया जा रहा था, उसे तैयार किया जा रहा था ताकि वो राजाओं के राजा को अपनी पीठ पर बिठा कर यरूशलम में ग्रैंड एंट्री ले। और जिस समय प्रभु यीशु मसीह उस जगह पर थे, जब प्रभु का सत्कार हो रहा था, जब उनका आदर हो रहा था, जब उनका वेलकम हो रहा था, तो इनवेरिएबली जिसके ऊपर बैठकर वो आ रहे थे, वो भी ये सब कुछ देख रहा था। आमीन। दैट वाज सच एन ऑनर फॉर दैट कोल्ट। उस गधी के बच्चे के लिए भी देखा जाए तो कितनी आदर की बात है कि महाराज धीराज जो है परमेश्वर उसकी पीठ के ऊपर बैठकर उस जगह पर पहुंचे। जब आपको ये लगे कि परमेश्वर साइलेंट है, परमेश्वर चुप है और आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो याद रखें एक टाइम ऐसा आएगा कि परमेश्वर एक ट्रॉफी की तरह आपको निकालेंगे, बाहर सबके सामने रखेंगे और आप जान पाएंगे कि इस दिन के लिए प्रभु ने आपको तैयार किया है। आपने चलिए एक रीजन और है, दो रीजंस मैंने आपको बता दी एंड आई एम श्योर कि इस समय आप काफी हिम्मत के साथ जो है और खुशी के साथ सुन रहे हैं। और अब थर्ड रीजन जो है वो ये है कि कई बार परमेश्वर इसलिए भी साइलेंट रहते हैं क्योंकि परमेश्वर बैकग्राउंड में पर्दे के पीछे आपके लिए उन लड़ाइयों को लड़ रहे होते हैं जिनमें आपको प्रभु नहीं चाहते कि जूझना पड़े। कई बार हम इस बात को कहते हैं ना कि द बैटल बिलोंग्स टू द लॉर्ड, द बैटल डजंट बिलोंग टू मी। तो जब बैटल परमेश्वर की है तो प्रभु जानते हैं कि वो कौन सी बैटल्स है। जब आपकी लाइफ में एक बड़ा काम, एक बड़ी डेस्टिनी परमेश्वर ने रखी है, तो ऐसा नहीं है कि शैतान चुप करके बैठ जाएगा। विरोधी ताकतें भी उतनी ही अग्रसर होती हैं, उतनी ही जो पावरफुल तरीके के साथ अटैक मोड में आती हैं और रोकना चाहती हैं परमेश्वर के काम को। पर याद रखें, परमेश्वर ने जिस बात को तय किया है और अगर आप परमेश्वर की विल में हैं और अगर आप तैयार हो गए हैं और अगर आपके इर्द गिर्द की चीजें भी तैयार हो गई हैं, तो याद रखें कि परमेश्वर आपकी लड़ाइयों को खुद लड़ेगी, आपको उन लड़ाइयों को लड़ना ना पड़ेगा। चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ तो हम देखते हैं कि वहां पर हेरोदेस राजा ने 2 साल के नीचे बच्चों को मरवा दिया, मेल चिल्ड्रन जो थे जितने भी उनको मरवा दिया गया। और वहां पर एंजल को परमेश्वर ने भेजा और यूसुफ को ये बात कही कि इस बच्चे को और इसकी माँ को लेकर यहां से इजिप्ट चला जा। अब उस टाइम पर एक इंस्ट्रक्शन दी गई, लेकिन उसके बीच के साल जो थे उनमें कोई इंस्ट्रक्शन नहीं थी। दैट वॉज अ कंप्लीट पीरियड ऑफ साइलेंस। अब उस साइलेंस में क्या था? उस साइलेंस में परमेश्वर तैयारी कर रहे थे। कैसे तैयारी कर रहे थे? जब आप मैथ्यू चैप्टर नंबर 2 पढ़ते हैं और 20 आयत पढ़ते हैं, तो वहां पर एक बार फिर से एंजल को प्रभु भेजते हैं और अब वो एंजल यूसुफ को कहता है कि अब मां को और बच्चे को ले और वापस इज़राइल चला जा, क्योंकि जो इस बच्चे को मारना चाहते थे वो खत्म हो गए, अब वो जो स्टोरी है वो खत्म हो गई। तो इतने सालों में बीच में क्या हो रहा था? परमेश्वर उस बैटल को डील कर रहे थे। प्रभु यीशु मसीह नहीं डील कर रहे थे, यूसुफ नहीं डील कर रहा था, मरियम नहीं डील कर रही थी, लेकिन परमेश्वर खुद उस बैटल को डील कर रहे थे ताकि जब अब प्रभु यीशु मसीह को वापस इज़राइल लाया जाए तो उन्हें उस बैटल को डील ना करना पड़े, ना ही उन्हें उस बैटल में लड़ना पड़े। देखिए, अगर आप परमेश्वर पर पूरी तरह से भरोसा रखते आए हैं, आप अपना काम डिलिजेंटली करते आए हैं, परमेश्वर के वचनों का पालन करते आए हैं, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि परमेश्वर आपको कहेंगे अराइज, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि उस स्वर्गदूत ने कहा यूसुफ को, अराइज और उठो और अब अपनी फैमिली को लेकर चलो। तो परमेश्वर आपको बोलेंगे कि उठे और अपने परिवार को इकट्ठा करें, उठे और अपने फाइनेंसेस को इकट्ठा करें, उठे और अपनी सिचुएशन को इकट्ठा करें और चलें और इस बात में बढ़ें जिस बात में मैं आपको बढ़ाना चाहता हूँ। सो देयर विल कम अ टाइम जब परमेश्वर आपको उठने का, आपको बढ़ने का मौका देंगे। कई ऐसी जगहें होती हैं, कई ऐसे ट्रायल्स होते हैं, कई ऐसे ट्रॉमास होते हैं जो परमेश्वर नहीं चाहते कि जिनमें से आप होकर गुजरें, उन दरवाजों को परमेश्वर नहीं चाहते कि आप पार करें, तो उन जगहों पर परमेश्वर चुप हो जाते हैं, बिकॉज वो चाहते हैं कि जब आप उन दरवाजों से निकले तो वो आपके लिए ऑलरेडी जीते हुए हों, जब आप उन राहों से निकले तो वो आपके लिए पहले से ही फॉर्म्ड हो, जब आप उन जगहों से निकले तो वो आपके लिए सुनसान ना हो, बियाबान ना हो, लेकिन पहले से ही तरोताजा हो। तो इसलिए परमेश्वर उन टाइम्स में साइलेंट रहते हैं जब वो आपके लिए उन बैटल्स को लड़ रहे होते हैं और जानते हैं कि जब वो बैटल कंप्लीट होगी
तब परमेश्वर आपको इंस्ट्रक्शन देंगे, तब परमेश्वर आपको उठकर जाने का मौका देंगे, तब परमेश्वर आपको खड़े होने का मौका देंगे, तब परमेश्वर आपको जीत को पाने का मौका देंगे। आमेन। अगर हम मूसा की ही बात करें तो मोसेस भी एक ऐसा टाइम था जिसमें वो ट्रेन हो रहा था, जिसमें उसके इर्द गिर्द के लोग ट्रेन हो रहे थे और परमेश्वर उसकी बैटल्स को लड़ रहे थे ताकि जब उसे जाकर लोगों को बताना पड़े तो चीजें उसके हिसाब से तैयार पाई जाए, ताकि उस काम को पूरा किया जाए जो परमेश्वर उससे करवाना चाहते थे। इससे पहले अगर कुछ हो जाता तो शायद चीजें वैसी ना होती जैसी अब हम देखते हैं कि प्रभु ने की। सो आज मेरे अजीजों, मैं आपको ये कहकर इनकरेज करना चाहती हूँ कि हर जगह हर समय परमेश्वर को प्रेशराइज मत करें जवाब देने के लिए। हर जगह परमेश्वर को प्रेशराइज मत करें कि प्रभु आप दरवाजे खोलें, परमेश्वर आप दरवाजे खोलें। कई जगहों पर परमेश्वर इसलिए भी दरवाजों को बंद रखते हैं ताकि आपको किसी भी तरह से हानि का या हार्म का या आपको हार का चेहरा ना देखना पड़े। सो मेरी आपके लिए प्रार्थना है कि परमेश्वर सही समय पर सही जगह पर आपको जब लाकर खड़ा करें, वहां पर परमेश्वर अपनी मर्सी और अपनी इच्छा के अनुसार आपके लिए उन दरवाजों को खोलें जो आपके लिए सही हैं। और मैं उम्मीद करती हूं कि जो आज आपने इस वचन को सुना है, आप जान पाए हैं कि परमेश्वर की इंस्ट्रक्शन तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन सही समय पर वो इंस्ट्रक्शन आना और भी जरूरी है। सो मेरी आपके लिए ये प्रार्थना है कि परमेश्वर आपको अपनी इंस्ट्रक्शंस के साथ, अपनी उन प्रार्थनाओं के जवाब के साथ भरे, लेकिन सही समय पर अब आप इस वचन के अनुसार जान सकें कि प्रभु ने आपके लिए क्यों उस साइलेंस को जो है वो रख छोड़ा है, क्यों प्रभु अभी तक जवाब नहीं दे रहे, और जब जवाब आएगा आप जान पाएंगे कि परमेश्वर आपसे क्या चाहते हैं। मैं इस वचन के साथ आपको इनकरेज करना चाहती हूँ और ब्लेस करना चाहती हूँ कि इन वचनों के साथ आप परमेश्वर में और मजबूती को पाएं और अपने उस ब्रेक थ्रू को देखने पाएं जो परमेश्वर आपके लिए रखते हैं, और आप जानने पाएं कि परमेश्वर आपके लिए भला ही चाहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हम दोबारा आपसे मिलेंगे एक नए टॉपिक, एक नई रेवलेशन के साथ, जहां पर परमेश्वर आपकी जिंदगी को बदलने के लिए, एक बड़े काम को करने के लिए मुझे दोबारा आपके साथ शामिल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। शालोम।